हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं और ये है इसके साथ मैचिंग की पगड़ी। बिना बुकरम के सिर्फ और सिर्फ नेट के फैब्रिक से मैंने इसे बनाया है। वीडियो में मैं आपको 5 नंबर के काना को पहना के दिखा रही हूँ। बस सेम ड्रेस आप 4 नंबर और 6 नंबर को भी पहना लेंगे, इजिली आ जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद काना जी को यहाँ पे इस तरह से ऐसे बिठाएंगे और बिठाने के बाद हम इसे पहना लेंगे। ये देखिए, चोली इसी में हमारी ज्वाइंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे बांध दिया। सिर्फ नेट के फैब्रिक से मैंने इसे बनाया है और बहुत ईजी तरीके से, आसानी से एकदम आप बना सकते हैं इसे। पीछे से चोली हम खींच देंगे इसके नीचे से, जिससे चोली की हमारी फिटिंग अच्छी सी आ जाए। ये देखें, ये हमारी हो गई है, मैंने पहना दिया। आप देखें कितना खूबसूरत सा लुक आ रहा है। साथ में ये हमारी मैचिंग की पगड़ी आ जाएगी। मैं फोटो डाल दूंगी थंबनेल में, आप देख लीजिएगा। यहाँ ऐसे ऊपर से क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा, बट थंबनेल में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो देखें, कुछ इस तरह का इसका लुक आ रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है कान्हा जी के लिए। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये नेट का फैब्रिक लिया है। अगर मैं आपको इसकी चौड़ाई बताऊं तो देखिए, इसकी चौड़ाई हमने लगभग 4.5 इंच रखी है। 4.5 इंच से 1 पॉइंट हमारा कम है। हमें क्या करना है, ये देखिए, इस तरह से हम प्लेट बनाएंगे ऐसे करके। बहुत ज़्यादा पतली पतली भी नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी, ऐसे हमें प्लेट्स बनानी है। ये देखिए, मैंने एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए 4-5 प्लेट बनाई है। अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ पर रख के सिल देना है। ये इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई को लॉक कर लेते हैं, ये मैंने लॉक कर दिया। देखिए, सुई हमारी अंदर गई। हम इस तरह से पीछे से उठाएंगे और उठाने के बाद यहाँ पे देखें, अगर आप इसे खींचेंगे उठाने के बाद, देखिए निकलेगा नहीं क्योंकि हमारी सुई अंदर है। अब हम यहाँ पे इस तरह से ऐसे प्लेट बनाएंगे। एक प्लेट बनाइए, किसी भी चीज़ की हेल्प से ऐसे एकदम प्लेट को अपनी सुई के पास कर दीजिए। फिर दूसरी प्लेट बनाएं, ये देखिए, इसे भी हम इस तरह से यहाँ अंदर कर देंगे। किसी भी चीज़ की आप हेल्प ले सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से अंदर कर देना है। 3 प्लेट मैंने अंदर कर दी। फिर देखिए, चौथी बनाएंगे, नीचे से पकड़िए, ऊपर से ये जो उठ रही है इसे हम ऐसे अंदर कर लेंगे। बस 4 प्लेट आप अंदर कर लीजिए, उसके बाद ये देखिए इजिली बनती चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप चाहें तो सिर्फ 4 प्लेट बना के भी सिल सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से और भी प्लेट बना सकते हैं। मेरी आदत है, मेरा ये रोज का काम है, तो मैं ऐसे एक्स्ट्रा प्लेटेस भी बना लेती हूँ। बट अगर आप ना बना पाए इस तरह से प्लेट, तो आप 4-4 प्लेट 3-3 प्लेट करके इसे बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से सिल देंगे। अब यहाँ जो ही लास्ट प्लेट स्टिच होगी, सुई हमारी अंदर जाएगी, फिर से हम इसे पीछे से उठाएंगे और फिर हम यहाँ पे अपनी प्लेट बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से पहली प्लेट बनाई, इसे हम इस तरह से ऐसे अंदर कर देंगे। फिर दूसरी प्लेट बनाई, इसे भी हमने अंदर कर दिया। फिर तीसरी प्लेट बनाई, इसे भी हमने अंदर कर दिया। ये देखिए, बहुत इजीली हो जाता है। फिर चौथी प्लेट बनाई, इसे भी अंदर कर दिया। आप चाहें तो इतने पे ही सिल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे और भी प्लेटेस बना लेती हूँ अपनी। ये देखें, मैंने इतनी प्लेट बनाई है। अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से यहाँ पर इसे सिल लूँगी, ये ऐसे कर। अब देखिए, यहाँ पे ये हमारा 45 इंच लंबाई इस फैब्रिक की हमने ली थी। हमने अभी 45 इंच लंबाई का एक पीस लगाया है। हमें टोटल 45-45 इंच लंबाई के 3 पीसेस लगाने हैं। तो चलिए आपको ज्वाइंट करके दिखाती हूँ कि दूसरा पीस आपको ज्वाइंट कैसे करना है इस पे। ये देखें, ये हम अपना दूसरा पीस लेंगे और इसका ये आगे वाला हिस्सा ऐसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद ये देखें, ये एक प्लेट हमने बनाई, 2, 3, 4। आप चाहें तो सिर्फ एक बार मोड़िए और उसके बाद एक प्लेट बना के और यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब देखें, इसे हम इस तरह से यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे आपको घनी प्लेट बनाना जरूरी है। ये देखिए, इसे आप अपने किसी भी चीज़ की आप हेल्प ले सकते हैं, ऐसे पतला सा रहे। मैंने यहाँ पे पेचकस लिया है क्योंकि मशीन के साथ मैं रखती हूँ पेचकस। कुछ भी हमें खोलना हुआ, कभी भी दिक्कत हुई तो पास में रहता है तो सही रहता है। अब देखें, फिर हम सेम तरीके से प्लेट बनाते चले जाएंगे। ये ऐसे करके एक प्लेट बनाएंगे, इसे सेट कर देंगे। बस अब देखिए, जैसे हमारी प्लेट बन रही थी वैसे हमारी प्लेट बनती चली जाएगी। हमारा ये ज्वाइंट भी हो गया है। तो चलिए, मैं इसी तरह से अपनी पूरी प्लेट बना लेती हूँ
और इसके बाद मैं एक पीस और अटैच कर लूंगी। फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने अपना तीनों पीस अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद अगर मैं आपको इसकी कमर मेजर करके दिखाऊं कि कितने इंच हो गई है, तो आप वो भी देख लीजिए। यहाँ पे इसकी जो कमर है वो हमने लगभग 6 साढ़े 5 इंच हमारी आ रही है। आप 6 इंच भी रख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसे उल्टा करेंगे और उल्टी साइड से देखिए मैंने यहाँ पे ये नेफे के लिए फैब्रिक लिया है। 2.5 इंच चौड़ाई है। हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे, एक बार और मोड़ेंगे और यहाँ पीछे साइड से हम रख के इसे सिल देंगे। चलिए सिलती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने सिल दिया। सिलने के बाद हम इसे सीधा करेंगे और ऊपर की साइड से जो भी एक्स्ट्रा है वो हम पूरा कट करके हटा देंगे, क्योंकि यही जो एक्स्ट्रा रहता है इसी से हमारे नेफे की फिनिशिंग जो है वो अच्छी नहीं आती है बांधने के बाद। तो हम यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है सिलाई के बाद उसे पूरा कट कर देंगे। आप देखिए ये इस तरह से ये एकदम हमारा अब बराबर हो गया है और पतला भी हो गया है। यहाँ से हटा लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये डोरी ले लेनी है। ये देखें ये रेडीमेड डोरी हमने ली हुई है। हम क्या करेंगे, इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और देखिए लास्ट में मैंने इसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के कट कर दिया था। तो इसे हमें ऐसे अंदर की साइड मोड़ना है, ऊपर से एक बार मोड़ेंगे और फिर यहाँ पे हम ये डोरी रखेंगे और इसे पलट के सिल लेंगे। तो चलिए इसे सिलती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। यहाँ पे अपनी सिलाई को लॉक जरूर करिएगा और डोरी के ऊपर से सिलाई नहीं लगानी है। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो नीचे का बेस है वो रेडी हो गया है। अब हम चोली बनाएंगे, तो इसे अब हम साइड करते हैं। और चोली के लिए मैंने यहाँ पे देखिए फैब्रिक ले लिया है। इसकी लंबाई जो है वो मैंने 11 इंच और चौड़ाई जो है वो 5 इंच रखी हुई है। हमें क्या करना है, ये देखें इसे इस तरह से मोड़ लेंगे, यहाँ से भी मोड़ेंगे और फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के सिल लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगाते वक्त हम इस पे एक लेस भी लगाएंगे जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ये देखिए ये गोटा पट्टी वाली लेस है, बस इसे यहाँ पे रख के और सिल लूंगी। चलिए सिलती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमारा चोली वाला जो पीस है रेडी हो गया। सेम तरीके से मैंने एक पीस पगड़ी के लिए भी रेडी कर लिया है। जो चोली वाले पीस की लंबाई है वो मैंने आपको बताई है, देखें 11 इंच है इसकी। और जो हमने पगड़ी के लिए रेडी किया है इसकी जो लंबाई है वो हमारी 10 इंच है। आप 10 साढ़े 10 इंच के करीब में रख लीजिए, 10 इंच से थोड़ी सी बड़ी है। जैसे हमने इसे सिला सेम वैसे इसे भी सिल दिया। तो पगड़ी वाला भी हटा देते हैं, चोली वाला हम सिल लेते हैं। चोली को हमें इस तरह से ऐसे डबल करना है और डबल करने के बाद हम इसे सेंटर से कट करेंगे और यहाँ पे थोड़ी दूर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। चलिए सिल लेती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे अपने घेर के साथ अटैच करेंगे। तो घेर के एकदम सेंटर में हमें रख के सिल लेना है। जब हम यहाँ सेंटर में रख के सिलेंगे तो इस पे भी हम अपनी यही गोटा पट्टी वाली लेस जो है वो अटैच कर लेंगे। तो चलिए लेस अटैच करते हैं और बीच में हम इसे सिलते चले जाएंगे। तो यहाँ से मैं ये लेस ले लेती हूँ कट करके। बहुत इजीली ये लेस आपको अवेलेबल हो जाएगी और बहुत सस्ती मिलती है। ये देखें ये इस तरह से हमें लगा देनी है। तो चलिए इसे भी लगाती हूँ और साथ साथ हम अपनी जो चोली है इसमें अटैच भी करते हैं। फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमारी यहाँ पे चोली भी अटैच हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे घेर को बांध लेना है। ये इस तरह से जैसे करके हम बांधेंगे, बहुत इजी है गाइस, आसानी से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसे बनाने में। ये देखें यहाँ पे ये मैं बांध लेती हूँ, पहले बिल्कुल टाइट वेट नहीं, नॉर्मल हमें बांध लेना है। और बांधने के बाद क्या करेंगे, इसका ये जो पीछे से हमारा खुला वाला हिस्सा है इन दोनों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे हम एक पिन कर लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से मैंने पिन कर दिया। पिन करने के बाद इसकी फ्रिल्स जो है वो पूरी हम अपनी थोड़ी सी सेट कर लेंगे। हल्का सा आप नाखून लगाएंगे तो आपकी हो जाएगी। ये सारा कमाल हमारे फैब्रिक का है जो ये इस तरह से हो जा रही है।
इस फैब्रिक की पहचान क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें साइन होती है अच्छी खासी और ये हार्ड होता है थोड़ा सा, इसे साइनिंग नेट बोलते हैं। साइनिंग नेट के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। यहाँ से चोली को भी हम ऐसे करके सेट कर देते हैं जिससे हमें इसकी पूरी की पूरी गोलाई अच्छे से पता चले। ये देखें, ये इस तरह से आ गया है। अब देखिए ये कहीं कहीं से, ये देखिए यहाँ से हल्का सा, ये देखिए यहाँ से हल्का सा निकला हुआ है, तो कहीं कहीं से हल्का हल्का सा ऊपर नीचे है, तो उसे हम सेट कर लेंगे। आप इसे कैसे सेट कर सकते हैं, इस पे आप कोई भी सर्कल वाली चीज रखिए, जैसे प्लेट या कुछ भी रख के और ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे देखिए ये छोटा सा सर्कल है, तो आप बड़ी सी प्लेट लीजिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर हो, और ऐसे रखिए एकदम सेंटर से, और इस तरह से मार्क करके कट कर लीजिए। मैं इसे ऐसे ही डायरेक्टली कट कर दे रही हूँ, ये देखें बस हल्का हल्का सा ही है कहीं कहीं से, तो उसे हम एक अच्छी सी फिनिशिंग दे लेंगे, ये इस तरह से। ये देखें बहुत थोड़ा सा ही मैंने निकाला है, क्योंकि एक्स्ट्रा है ही नहीं ज्यादा कहीं, तो निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारी जो ड्रेस है वो रेडी हो गई है। अब हम पगड़ी के लिए भी अपनी कलकी बना लेते हैं। पगड़ी तो हमारी कंप्लीट है, कलकी के लिए मैंने देखिए 10 इंच लंबाई का ये पीस लिया है, चौड़ाई हमने इसकी 4 इंच ली है। ये देखें यहाँ से मोड़ के मैंने इस पर प्रेस लगा दिया है। अब हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, ये देखें पतली पतली सी प्लेट डाल के हमें बनाना है। अगर आप चौड़ी प्लेट डाल के बनाएंगे तो बहुत सुंदर नहीं बनेगी, कोशिश करिए कि पतली पतली सी प्लेट डाल के अपनी ये कलकी बनाइए, ये इस तरह से। ये देखें ये मैंने बना ली। बनाने के बाद इसे हम ऐसे थोड़ा सा करेंगे और फिर ओपन करेंगे, तो इस तरह से आएगा हमारा ये। अब मैं यहाँ पे इसे बांध लेती हूँ नीचे से, तो धागे को डबल करके ले लीजिए और यहाँ पे इस तरह से बांध देंगे इसे हम। ये देखें ऐसे थोड़ा सा टाइट करके अच्छे से बांध लीजिए। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसे बांध दिया है, 2-3 नॉट भी लगा दी। अब यहाँ पे इसे मैं कट कर लूंगी, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा है इसे भी हमें कट कर लेना है। अब अपनी इस ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ लेस का। लेस से हम इसे डेकोरेट करेंगे, इसे भी साइड करते हैं। तो देखिए ये इस तरह की लेस है मेरे पास, ये ऐसी थोड़ी सी हैवी है, आप देखें बहुत खूबसूरत है। तो इसी लेस में से मैंने ये कट करके अपना रखा हुआ है छोटा छोटा सा पीस, ये ऐसे। इन्हीं सारे पीसेस को हम अपनी ड्रेस पे ऐसे रैंडम चिपका देंगे, इधर उधर इस तरह से, ये देखें ऐसे करके। तो चलिए अब मैं इसे चिपका के दिखाती हूँ, फिर पगड़ी भी बनाना बताऊंगी आपको। अब देखिए मैं यहाँ पे चिपकाने के लिए यूज करूंगी ग्लू गन का। मैंने इसे गर्म कर लिया है, और आप इस तरह से फेवी बॉन्ड आता है इसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरह से फैब्रिक ग्लू आता है इसका भी आप यूज कर सकते हैं। और एक चीज और आप कर सकते हैं, इसे सुई धागे से सिल सकते हैं। तो पहले हम पूरे पैसे ही रैंडम लगा लेते हैं इस तरह से, कलर आप थोड़ा सा देख के लगा लीजिए। ये देखें इसमें कई सारे कलर हैं, तो हम वो कलर थोड़ा सा देख के इसे लगाएंगे। और यहाँ पे आपको फैब्रिक ऐसे ही यूज करना है, थोड़ा सा ज्यादा यूज करेंगे आप तभी ये अच्छी लगेगी। ये ऐसे करके लगा लूंगी, ये देखें बहुत सुंदर सी हमारी ये लेस है, पूरा पैच पैच के जैसे आ जाएगी। बस अब हमारी कंप्लीट हो गई है। अब चलिए मैं चिपका देती हूँ इसे, इस तरह से हल्का सा ग्लू लगाएंगे और लगाने के बाद रख के चिपका देंगे। फिर यहाँ पे भी हल्का सा ग्लू लगाइए और इसे चिपका लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा के चिपका देना है, ये आसानी से आपकी चिपकती चली जाएगी, ये इस तरह से। ऐसे ही हमें इसे पूरे पे लगा के चिपकाना है। चलिए चिपका लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमारी ड्रेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई, इसे हम साइड कर लेते हैं और एक हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं। देखें यहाँ पे मैं भूल गई, ये इस तरह से थोड़ा सा ग्लू लगा के एक पीस हम इस पे भी चिपका लेंगे। तो इसमें मेरे पास देख लेती हूँ कौन सा डार्क कलर बचा हुआ है, तो ये ग्रीन जो है इस पे उभरेगा, ये मैंने लगा दिया। अब हम पगड़ी भी बना लेते हैं, तो पगड़ी के लिए हमारा पीस देखिए रेडी है। हमें क्या करना है, इस तरह से मोड़ना है
मोड़ने के बाद हम इसे ऐसे उल्टा करेंगे। इसका एक हिस्सा यहाँ और इसका दूसरा हिस्सा हमें यहाँ पे लगा लेना है। पगड़ी को आप सुई धागे से भी सिल सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे इसे आप फैब्रिक ग्लू की हेल्प से नहीं चिपका पाएंगे, फेबी बॉन्ड की हेल्प से आप चिपका लेंगे। ये देखें ये मैंने चिपका दिया, और चिपकाने के बाद हमने ये जो कलकी बनाई है इसे भी चिपका लूँगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे ग्लू लगाते हैं और इसे भी हम चिपका देते हैं। ये देखें ये हमारा चिपक गया। चिपकाने के बाद इसका एक हिस्सा यहाँ पे लगा लेंगे इस तरह से, ऐसे करके बस। अब इस पे भी हम अपना ये लगा देंगे। ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि हमने अपनी ड्रेस पे भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाया हुआ है, तो इस पे भी हमें बस एक ही पीस लगाना है। ये देखें हो गया। अब चलिए पहना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे हमारी जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो गई है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको इसे बनाना बताया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे पहना के मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। अगर आपने स्टार्टिंग में स्किप कर दिया है तो जाके चेक कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे।